अस्सलाम वालेकुम। मैं थोड़ा अपना मिस्त्री मुहम्मद काशफ, तो यह जे सामने पांच मरले तीन स्टोरी मॉडल हाउस मैं तैयार कर रहा गा अल रहमान गार्डन फेस टू लाहौर दे विच, ते इंदी मुकम्मल डिटेल इत्थे तक किन्ना खर्चा आया वा और इनू तैयार करन ते किन्ना खर्चा आएगा टोटल डिटेल तुहाडे नाल शेयर करांगे। प्लाट की डिमेंशन शेयर करांगे और इस तो बाद जिहड़ा है कि इहदे जी किन्ने बैडरूम ने किन्ने बाथ ने सीढ़िया दी किस तरीके कारना चढ़िया ने टोटल जिहड़े है वे इनफॉर्मेशन तुहाडे नाल शेयर करांगे। ठीक है जी, इस तो पहले जिहड़े कोई मेरे नवे दोस्त ने मेरे चैनल उत्ते आए ने वीडियो वेखण लई उह मेरे चैनल नूं सबसक्राइब कर लैण और बैल आइकन का बटन दबा देन ताकि आने वाले नवीं वीडियो या नवी अपडेट उन्होंने तक बसानी पहुँच जाए। और वीडियो में लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इन कमेंट भी करना। ठीक है जी, हूँ असी जनाबे अली तुहानू इहदा दसदे हाँ हिसाब किताब डिमेंशन का। प्लाट की डिमेंशन जी है 25 फुट फ्रंट हैगा जी और 45 फुट इनकी जी है वे लेंथ आ। ठीक है जी, इस टाइम स्ट्रक्चर तैयार होया वा, ग्रे स्ट्रक्चर इन हूँ कर रहे हैं इनके अंदर प्लस्तर जारी है, प्लस्तर से लेबर लगी हुई है। हम तुम्हें विखाने का नक्शा, तो उस तो पहले टोटल पांच बैडरूम ने तीन स्टोरी ये अपना मकान हैगा वा, मॉडल हाउस असी तैयार कर रहे हैं। ठीक है जी, लिहाजा तुम दिखाने इनका नक्शा। अल रहमान गार्डन फेस टू लाहौर पी ब्लॉक के बन रहा है जी, 40 फुट का बाजार है इनका मेन। ठीक है जी, सॉरी 30 फुट का बाजार आ। ठीक है जी, ए सामने इनका गराज हैगा, यह जरा सामने गराज हैगा, सीढ़ियां दी सैपरेट चढ़िया ने। पहला नक्शा हैगा वा रहमान गार्डन के जिहड़ा इस तरीके कार नाल बनया, इस तो पहले पांच मरले का ऐसा नक्शा नहीं बनया स्टोन दे विच। ठीक है जी, यह फ्रंट उपर इनकी जी है वे फ्रंट वाली ओपन स्पेस हैगी है, साइड गली ए गराज वाला हिस्सा वा, वड्डी गड्डी बा आसानी लगेगी। ठीक है जी, यह सेवरेज का निजाम हैगा वा, साइड से दो वाशरूम ने फस्ट फ्लोर से सैकंड फ्लोर से। यह जनाब वाली ड्रैंग रूम का दरवाजा हैगा, ड्रैंग रूम का रस्ता हैगा वा और सामने लोबी आ गई सीढ़ियाँ वाला एरिया। ठीक है जी, इधरों की सीढ़ियाँ जा रही ने उपर। ठीक है जी, सीढ़ियाँ थले एक वाशरूम हैगा गैसट लिए, अगर कोई मतलब मेहमान आता है वा ऐसा जिन्हों बैठक च बिठाना है वा ड्रैंग रूम में उनके लिए वाशरूम हैगा। यह असी टीवी लाउन में खलोते हैं। ठीक है जी, यह टीवी लाउन चाहता नाल अटैच इन्हें ना ड्रैंग रूम है, सैपरेट किचन है। ठीक है जी, किचन का दरवाजा लगा हुआ जी, ओपन नहीं है। किचन के बचों ही तुसी पीछे वेंटिलेशन में जा सकते हो, दरवाजा इधर भी लगा हों, बैक साइड वाला ओपन एरिया। ठीक है जी, सामने मोटर लगी है, व्यू चेक करो। यह सीवरेज के पाइप ने। ठीक है जी, और PPRC के पाइप यानी कि पानी के वो इस साइड से जा रहे हैं किचन के नाल। इस साइड उत्ते बैडरूम जे इहदा। ठीक है जी, अटैच बाथ हैगा जी, सामने पिछे वाशरूम है। वीडियो नूं पूरा वेखो, मुकम्मल डिटेल तुहाडे नाल शेयर करांगे। थले ग्राउंड फ्लोर के उत्ते एक बैडरूम आ, हुण असीं जाणे आ फस्ट फ्लोर ते। यह आ गए जी असीं फस्ट फ्लोर के उत्ते। ठीक है जी, यह जनाबे वाली फस्ट फ्लोर का टीवी लाउंज और इस साइड ते किचन हैगा। यह बैडरूम हैगा, मास्टर बैडरूम हैगा फस्ट फ्लोर का और इस साइड के फ्रंट उत्ते बैडरूम हैगा जी। ठीक है, इनका इन्हें अटैच बाथरूम टैरस उपर आ गया और इस कमरे का वाशरूम पीछे जी। इस तरीके असं हम सैकंड फ्लोर से जाने, हम सामने जी सैकंड फ्लोर का इंट्रस। ठीक है जी, और इस साइड से सीढ़ियाँ ने छत से जाने लई। ठीक है जी, सेम ही थले तरीके जिवें फस्ट फ्लोर से और ग्राउंड फ्लोर से किचन हैगा, किचन सेम ही उस तरीके उपर आ रहा सैकंड फ्लोर से भी। यह मास्टर बैडरूम। ठीक है जी, इनका अटैच बाथ इस साइड के नाल, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा जी, मिस्त्री लगे हुए ने थले, लेबर लगी है काम कर रही है। यह फ्रंट वाला बैडरूम
ਇਹਦਾ ਅਟੈਚ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਲੋਬੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੋਬੀ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਚੁਗਾਠ ਲੱਗ ਕੇ। ਇਹ ਟੈਰਸ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਛੱਤ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟਾਊਨ ਦਾ ਵਿਊ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹਦੀ ਉੱਪਰ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋਰ। ਲਓ ਜੀ, ਆ ਰਹਿਮਾਨ ਗਾਰਡਨ ਪੀ ਬਲੋਕ ਜੇ, ਰਹਿਮਾਨ ਗਾਰਡਨ ਦਾ ਵਿਊ ਹੈਗਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਰਹਿਮਾਨ ਗਾਰਡਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਦੀ ਕਾਸਟ ਦੀ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਾਸਟ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, 50 ਤੋਂ 52 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। 3 ਸਟੋਰੀ ਸਟੈਕਚਰ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਲੱਸਰ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਲੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਣੇ ਨੇ 40 ਤੋਂ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਣਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ, 3 ਸਟੋਰੀ 5 ਮਰਲੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਿਸਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਸ਼ਿਫ, ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।